और चलिए बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की। इंदौर दौरा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहेगा। कार्यक्रम आपको बता दें, दोपहर करीब 2:30 बजे अमित शाह इंदौर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट इंदौर से जानापाव के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 2:45 पर करीब 15 मिनट में वो जानापाव पहुंचेंगे। यहाँ भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, यहाँ पर पहुंचकर वे दर्शन करेंगे। दोपहर 3:50 पर मां कनकेश्वरी गरवा ग्राउंड पहुंचेंगे। बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। संभाग के नेताओं के साथ चर्चा भी अमित शाह करने जा रहे हैं। मालवा निमाड़ की सीटों की स्थिति पर चर्चा होगी और रात 8:15 पर इंदौर से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे आपको बता रहे हैं। इंदौर आज वो पहुंचेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। शाह का ये दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री लगातार चुनावी दौरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। 1 माह में तीसरा दौरा ये प्रदेश का उनका। इंदौर जा रहे हैं, मालवा निमाड़ की सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। 66 विधानसभा सीटें यहां से आती है और इन सीटों पर इस वक्त बीजेपी की नजर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सीधे रुख करते हैं संवाददाता पीयूष पारे इंदौर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, सभा स्थल पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और क्या कुछ जानकारी गृह मंत्री के दौरे से जुड़ी हुई आपके पास? देखिए जी, जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो तकरीबन 2:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे और यहीं से सीधे तौर पर वे जो जानापाव है परशुराम जन्मस्थली वहां पर रवाना होंगे। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हम लोग बात करें तो इंदौर शहर को पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल की हम लोग बात करें तो आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है, तकरीबन 3,000 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमान संभाल रहे हैं। इनमें अलग अलग पुलिस की टुकड़ियां हैं, खासतौर पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा की निगरानी की जा रही है और किस तरीके से व्यवस्थाओं को यहां पर संभालना है इसकी जानकारी भी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो तमाम जवानों को दे रहे हैं। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यहां पर पेट्रोलिंग लगातार शहर में की जा रही है, जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं वहां पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे तो उस दौरान व्यवस्थाएं किस तरीके होगी। तकरीबन 4 बजे कनकेश्वरी मैदान पर उनका यहां पर जो है आगमन होगा और इस दौरान सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से जो है पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। डायवर्ट रूटों की हम लोग बात करें तो चूंकि जो कार्यक्रम स्थल है यहीं से उज्जैन रोड पास में लगता है, एयरपोर्ट जाने का रास्ता भी यहीं से है, तो ऐसे में इन रूटों को डाइवर्ट किया गया है, लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए जो है वो वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की गई है। तो ये महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है। और आप कार्यक्रम स्थल की हम लोग बात करें, कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है जहां पर सीधे तौर पर ये मंच लगाया गया है। अमित शाह यहीं से सीधे तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र भी साफ तौर पर यहां पर देंगे। और यह काफी महत्वपूर्ण बात है और आपने जिस तरीके से लगातार जिक्र किया है कि मालवा निमाड़ के जरिए कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी एक मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रही है। मिशन 2023 के लिहाज से भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण। पीयूष, जरा ये भी जानकारी दीजिए क्योंकि 50,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का लक्ष्य यहाँ सभा स्थल पर रखा गया है, तो उसे लेकर क्या कुछ जानकारी, लक्ष्य 50,000 का आपको क्या कुछ लग रहा है क्योंकि इस वक्त आप वहाँ मौजूद भी हैं, कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है, कितना उत्साह उन कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा है कि 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे, लेकिन जब ये कार्यक्रम की घोषणा हुई थी उस वक्त हमने तमाम जो बीजेपी के नेताओं से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि 72 घंटे का समय कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर बचा हुआ है। इन 72 घंटे के अंदर 72,000 लोगों को लाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे लेकिन बूथ स्तर के कार्यकर्ता है। कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन आप देखें किस तरीके से यहाँ पर 3 डोम बनाए गए हैं। 1 डोम में 35,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और बाकी जो दूसरे जो 2 डोम बनाए गए हैं उनमें भी अलग अलग जो है बैठक व्यवस्थाएं की गई है, तो लोगों को परेशानी ना हो किसी भी तरीके से। और तमाम जो बंदोबस्त इंतजाम है सुरक्षा के लिहाज से भी है, जो पानी के पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी टीम है, 9 विधानसभा इंदौर में लगती है, उन 9 विधानसभाओं के अलावा जो संभाग स्तर के तमाम जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है वे भी साफ तौर पर कहीं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पूरी तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कुछ ही देर में हम लोग कहेंगे
कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, 9 विधानसभा इंदौर में लगती है, 6 बीजेपी के पास 2018 में आई थी, 3 कांग्रेस को मिली थी, लेकिन बीजेपी इस बार चाहेगी कि इंदौर से क्लीन स्वीप हो और मालवा निमाड़ की जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाए, सबसे ज्यादा कोशिश इस वक्त पार्टी कर रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष, जानकारी तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे।